children, in this video we will learn diagonal method of multiplication. It is the simplest method of multiplication. You will get to know its क्या सही है क्या बात है. चलो ट्राई करते हैं छोटे से नंबर से. अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है 25 को 25 से, है ना, इससे आप स्क्वायर भी निकाल सकते हो नंबर का. लेट्स ट्राई. एक हम 2x2 का मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, इन दिस वे 2x2 का मैट्रिक्स. अब क्या करना है, एक जगह लिखो 25 25, यहाँ लिखेंगे 25 25, यहाँ भी लिखेंगे 25 एंड 25, ठीक है. इसके बाद हमें क्या करना है, हमें पार्टीशन करना है, ऐसे इनको डायगनल्स में डिवाइड करना है, इसीलिए इसका नाम है डायगनल मेथड. अब क्या करना है, हर सेल के ऊपर जो साथ में नंबर है, एडजेसेंट नंबर, हमें उनको मल्टीप्लाई करके इनमें एडजस्ट करना है. जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो 5 into 2 10, ठीक है. यहाँ 5 इसके ऊपर और यहाँ साइड में 5, तो 5 into 5 25. ऐसे ही हम यहाँ नंबर लेंगे, इसका नंबर है 2 और यहाँ इसका एडजेसेंट नंबर है 2, तो 2 into 2 4, लेकिन हम लिखेंगे 04. नंबर को हमेशा दो डिजिट में लिखना है, ठीक है. और यहाँ पर सेम प्रोसेस 2 and 5 10, ठीक है. अब हमें क्या करना है, हमें जो डायगनल्स में नंबर हैं हमें उनको ऐड करना है, ठीक है. जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमेशा लेफ्ट साइड से, तो ये आ जाएगा 5. यहाँ डायगनल में कौन से नंबर हैं, 2 0 0, जब ऐड करेंगे तो यहाँ 2, ठीक है. इस डायगनल में कौन से नंबर हैं हमारे, इस डायगनल में हमारे हैं 4 1 1, दैट मीन्स 6, ठीक है, और यहाँ 0, तो नंबर क्या बना हमारा 0625. और आप सभी को पता है 25 into 25 क्या होता है, 0625. डोंट यू थिंक इट इज ईजी, ठीक है. चलो एक और पे ट्राई करते हैं. सपोज अगर मैं लेती हूँ 3 डिजिट का नंबर, ठीक है, 125 into 125, ठीक है. तो अगर नंबर दोनों 3 डिजिट के हैं तो हमें 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, 3x3. और हम ये भी कह सकते हैं कि एक स्क्वायर बना के उसको 3 रोज़ और 3 कॉलम में डिवाइड करना है, ठीक है. यहाँ नंबर लिखेंगे 125, यहाँ भी नंबर लिखेंगे 125. अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें इनको सभी स्क्वायर को हमें डायगनल्स में डिवाइड करना है, ठीक है. इनको ऐसे डायगनल्स में डिवाइड करो, ठीक है. अब वही रूल फॉलो करते हुए इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, जो भी नंबर हमारे डायगनल के स्क्वायर के ऊपर और साइड में है. जैसे यहाँ है 5 और 1, तो 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5, तो हमें क्या लिखना है, 05. ऐसे ही 2 और 1, 02, 1 and 1, 01, ठीक है. अब नेक्स्ट लाइन में आते हैं, नेक्स्ट रो में 1 into 2 2 2 into 2 4, 5 into 2 10, ठीक है. सेकेंड रो भी कंप्लीट. थर्ड रो पर आए, 1 into 5 5, 2 into 5 10. अब ये 2 डिजिट का नंबर है तो हमें ऐसे लिखना है इसको, 1 ऊपर फर्स्ट पार्ट में और 0 सेकेंड पार्ट में, ठीक है. ऐसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 into 5 25, ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारा, ये फाइनल स्टेप है हमारा, हमें हर डायगनल में जितने भी नंबर हैं सबका सम निकालना है और उनको उनके सामने लिखना है, ठीक है. तो जब हम ऐड करेंगे, इस रो में सिर्फ 5 है डायगनल में तो हम सिर्फ 5 लिखेंगे, दूसरे डायगनल में हमारे पास 0 2 0, तो जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2. थर्ड टाइम जब इस डायगनल को ऐड करेंगे तो बहुत सारे नंबर हैं, चलो ऐड करते हैं, 5 plus 1 6 6 plus 4 10 10 and 1 11 and 11 and 5 16, तो 16 का 6 ही लिखेंगे यहाँ पर और 1 हम यहाँ कैरी ओवर कर देंगे, वो 1 मेरा यहाँ आ जाएगा. तो अब ऐड करिए इस नंबर को, 2 plus 2 plus 1, तो यहाँ क्या आएगा, 5 और यहाँ 1, ये तो 0 ही है. तो दैट मीन्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 125 को 125 से तो हमें क्या मिलेगा, 15625. हमेशा यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, 15625, जैसे हमने यहाँ भी यहाँ से लिखा था 0625, ठीक है. तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं 125 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 15625, ठीक है.
अब ट्राई करते हैं दूसरे नंबर पे, जो कि स्क्वायर नहीं निकालना, हमें नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है। चलो हम एक नंबर लेती हूँ जहाँ पे स्क्वायर नहीं है, सिंपल हमें मल्टीप्लाई करना है 312 को 23 से। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम मैट्रिक्स बनाएंगे इस तरीके से कि हमारे दो रो बने और तीन कॉलम। ठीक है, हम उल्टा भी कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में होता है। यहाँ लिखेंगे 312 और यहाँ 23। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें इनको डायगनल्स बनाने हैं हर एक स्क्वायर के, इस तरीके से हम बनाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, सेम तरीके से हमें उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 = 4। ठीक है, 2 × 3 = 6। 1 × 2 = 2। 1 × 3 = 3। 3 × 2 = 6 एंड 3 × 3 = 9। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमें इन सबको यहाँ ऐड करना है डायगनली ऐड करके। ठीक है ना, डायगनली हमें नंबर्स को ऐड करना है। तो इस डायगनल में सिर्फ 6 है तो वही लिख लेंगे हम 6। इस डायगनल में 4 × 3 = 7। ठीक है, यहाँ जब ऐड करेंगे तो 9 + 2 = 11, तो हमें 1 ही लिखना है और दूसरा 1 हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। ऐड करो 6 और 1 = 7। ठीक है, अब हमें इस ऑर्डर में नंबर को लिखना है। दैट मीन्स 312 व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय 23 व्हाट वी विल गेट 7176 एंड दिस इज माय आंसर। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है सबको। अब एक और नंबर लेते हैं लास्ट, ठीक है ना, जिसमें हम क्या करेंगे, हम 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल। ठीक है ना, चलो एक नंबर लेते हैं हम 275। चलो नंबर लेते हैं, चलो हम 275 को मैंने मल्टीप्लाई करा 423 से। ठीक है, दोनों 3 3 डिजिट के नंबर हैं, तो हमें क्या करना है, दोनों को कैसा मैट्रिक्स बनेगा इसमें, 3 by 3 का। ठीक है ना, तो 3 by 3 का मैट्रिक्स बनाएंगे यहाँ पर। यहाँ लिखेंगे हम 275 और यहाँ लिखेंगे 423। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इनके डायगनल्स बनाने हैं सारे स्क्वायर के डायगनल्स। इजी है ना ये मेथड। अब सिंपल वही प्रोसेस अप्लाई करते हुए हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, जैसे 5 को 4 से किया तो 20, सो हम यहाँ लिखेंगे 2020। 5 को 2 से किया तो 10, 5 को 3 से किया तो 15। हम किसी भी सेल में पहले मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर। 7 × 4 = 28, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21। ठीक है, दिस कॉलम इज लेफ्ट, सो 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4 एंड 2 × 3 = 6। आई होप इट दिस मच इज क्लियर। अब लास्ट स्टेप जिसमें हमें सारे डायगनल्स के नंबर को ऐड करना है और यहाँ लिखना है। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट एडिंग द नंबर्स। सो इट इज 5 110। 110 क्या बनेगा हमारा, 2। ठीक है, इस डायगनल में कितने नंबर हैं, 6 2 4 1 0। ऐड करते हैं, 6 + 2 = 8, 8 + 4 = 12, 12 and 1 = 13। तो 13 3 और 1 को हमें यहाँ ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब इस डायगनल्स के नंबर को ऐड करेंगे तो 4 and 1 = 5, 5 and 8 = 13, 15 and 1 = 16। तो 6 यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी ओवर, 8 + 2 = 10, 10 and 1 = 11। ठीक है, यहाँ तो 0 ही है हमारा, तो जब इस ऑर्डर में हम नंबर को लिखेंगे तो हमें मिलेगा 275 × 4 = 23, तो 116325। ठीक है, इसी ऑर्डर में हमें नंबर को लिखना है हमेशा, इस तरीके से मूव करते हुए। आई होप इट इज़ क्लियर, इजी, वेरी इजी मेथड। बाय बाय।